हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3.7 की। तो ये आप देख लीजिए, प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने एक बार दे रखी है, जैसे स्टील बार ए बी सी डी, जैसे यहाँ लिखा है ए बी सी डी, 4 मीटर लंबी है, सब्जेक्टेड टू फोर्सेस एज शो इन फिगर। फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द बार, टेक ई फॉर द स्टील इज 200 GPa। तो ये मैंने प्रॉब्लम पहले बताई थी आपको, इसको बॉक्सेस में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको कर लीजिए। फर्स्ट हो गया आपका ये सी डी, दूसरा थोड़ा बड़ा है तो बड़ा बना लेते हैं बी सी, और जो तीसरा है हो गया आपका ए बी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपन को लोड देखना है, कितना लोड लगा हुआ है। यहाँ से देखूँगा मैं कितना हो गया, 25 25 हो गया। यहाँ पे देखिए 25 बाहर जा रहा है, 10 अंदर जा रहा है, तो कितना आ गया बाहर, 15 15 हो गया। अब यहाँ पे आइए, 15 बाहर है और 5 और बाहर जा रहा है, तो कितना हो गया 20। तो 20 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 20 आ ही रहा है। इसका डायमीटर दे रखा है उसने 15, इसका डायमीटर उसने दे रखा है 20, इसका डायमीटर दे रखा है उसने 15। लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, 1 मीटर, इसकी दे रखी है 2 मीटर, इसकी दे रखी है 1 मीटर। तो कुछ नहीं, टोटल डिफॉर्मेशन निकालना है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया आपके सामने, चेंज इन लेंथ ऑफ सी डी, चेंज इन लेंथ ऑफ बी सी, चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी। तो पी एल ओवर ए ही लगाएंगे सी डी के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 25 × 3 हो गया पी, एल की वैल्यू 1000 हो गई, ए की वैल्यू होगी पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू आपकी 15 का स्क्वायर, ई सबका कॉमन है तो मैं बाहर लिख दूंगा, प्लस के। यहाँ पे आप देखेंगे चेंज इन लेंथ कितना है इसका, लोड आएगा पहले 15 × 10³, ये जो लोड है उसके बाद इसकी लेंथ है 2000, तो 2000 आ गई, पाई बाई 4 ऊपर आ गया, और जो डी है इसका वो 20 का स्क्वायर। तीसरा देख लीजिए लोड कितना है, 20 का स्क्वायर है, लेंथ आपकी 1000 है, नीचे पाई बाई 4 का 4 ऊपर आ गया, डी की वैल्यू 15 का स्क्वायर हो गई, और इन सब के बाहर आ जाएगा 1/2103। अब आपको इसको सॉल्व करना है सिंपल तरीके से, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, कैलकुलेटर ले लिया मैंने, तो एक एक करके सॉल्व करूँगा। 25 × 10³ मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई नीचे है पाई इंटू 15 का स्क्वायर, तो ये निकल के आ रहा है 1471.06। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कितना दे रखा, देखिए 15 × 10³ × 2000 × 4 डिवाइडेड बाई 5 / 20 का स्क्वायर, तो ये आएगा 9549.2.96। तीसरा देख लीजिए, 20 × 1000 × 1000 × 4 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर, तो ये निकल के आ रहा है 11,317.6.8484, प्लस आ गया डिवाइडेड बाई इनका 200 GPa मैं कर दूंगा। मैंने इसमें जोड़ा बीच वाली पार्ट, 9549.2.96 प्लस के 1414.71.06 डिवाइडेड बाई 200 × 1000, ये मेरी यहाँ पे निकल के रही 1.75, कितना रहा है 1.75। तो देख लेते हैं एक बार आंसर कितना आ रहा है, यहाँ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.85, अपना आ रहा है 1.75। तो शायद कुछ डिफरेंस हो सकता है इसके अंदर, या इसके आंसर में कुछ मिस्टेक है, तो प्लीज़ आप क्रॉस चेक करना जो मैंने कैलकुलेशन बताई है। अगर आंसर में कुछ मिस्टेक है मेरी कैलकुलेशन में प्लीज़ कमेंट करना, अगर मेरा आंसर बिल्कुल सही है तो प्लीज़ कमेंट में बताना आपका आंसर सही है। अगर